Bismillah r-Rahim. Rahim Assalamu Alaikum. Dear students, I hope you all are safe and sound. Someone says, if you can do great things, do small things in a great way. Dear students, the lesson Clearing in the Sky is really an inspirational lesson. The story in which the old man is a character is really really inspiring so dear students we are starting our third lecture so please move to the boards and we will be reading out the text first of all necessary to recapitulate all the things we have discussed in previous lectures lesson number two clearing in the sky by jesse stewart टाइटल के जैस के फादर जो हैं वो वीक हार्ट रखते हैं और 40 साल पहले भी डॉक्टर्स ने उन्हें काम करने से मना किया हुआ है लेकिन जैस के जो वालिद हैं वो डिटर्मिंड हैं रेजोल्यूट हैं वो हार्ड वर्क और डिलीजेंस को कामयाबी और सेहत का राज समझते हैं तो वो डॉक्टर्स की सख्त इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी मेहनत व मुशक्कत को जारी रखते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने बेटे जैस को चाहते हैं कि उस पहाड़ के ऊंचे फॉर्म पर लेके जाएं जहां उन्होंने कुछ कल्टीवेशन के लिए तैयार किया है दरअसल हमारा जो टाइटल है क्लियरिंग इन द स्काई उसका तर्जुमा भी यही बनता है बुलंदियों पर साफ की गई जगह सो so, अगले बोर्ड पे चलते हैं टाइटल के बाद कुछ और चीजों को रिकेप्चुलेट करेंगे डी स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में राइटर का जो मूड है वो रिमेनिसेंट है वो अपने वालिद के साथ उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर और उस साफ की गई जगह की तरफ जाते हुए बहुत सारी बीती हुई बातों को याद करता है उसके वालिद भी माजी के बहुत सारे वाकयात को उसके साथ शेयर करते हैं सो so थीम के बारे में जो कि एक लॉन्ग लाइफ मैसेज है वो ये है कि राइटर इस सिंपल बट थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी में हमें इंसान से मुतलिक दो बातों की आगही बख्शते हैं पहला कि इंसान की फितरत के लिए मोहब्बत और दूसरा उसके अंदर जो जोश खरोश है काम का जज्बा है उसको भी वो नुमाया करते हैं सो so, हम अगले बोर्ड की तरफ चल रहे हैं ताकि हम आज के लेसन को वहीं से स्टार्ट करें जहां हमने खत्म किया था सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड डियर स्टूडेंट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक द टेक्स्ट विल बी अवेलेबल ऑन य बोर्ड सो प्लीज पे अटेंशन एंड नॉट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लेसन जहां से छोड़ा था वहां डायलॉग चल रहा था कि बेटा बाप से कहता है ब डैड आई सेड और बाप कहता है आई नो वट यू थिंक ही इंटरप्टेड यहां से आगे बात बढ़ाएंगे वालिद कहता है यू मदर थिंक्स द सेम थिंग शिवर्स वॉन्डर सरप्राइजेस यू मदर थिंक्स द सेम थिंग तुम्हारी मां भी ऐसी ही या यही बात सोचती है शिवॉन्डर्स वह हैरान होती है वाई आई एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप टू रेज माइ पटेटोज यम्स एंड टमैटोज वो हैरान होती है कि मैं मुसलसल इस पहाड़ की चोटी पर अपने आलू शकरकंद और टमाटर उगाने के लिए क्यों चढ़ता रहा बट जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड मगर जैस उन्होंने तकरीबन सरगोशी की विस्पर्ड सरगोशी करना मटर्ड, ममर्ड याम्स, शकरकंद या शकरकंदी, एवर मुसलसल एनी थिंग ग्रॉन एन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज बेटर फ्लेवर कोई भी चीज जो इस तरह की नई जमीन में उगाई जाए एक बेहतर खुशबू और जायका रखती है फ्लेवर को आप खुशबू या जायका या खुशबूदार जायका जिस तरह चाहे ट्रांसलेट कर सकते हैं वेट अंटिल माई टमैटोज राइप राइप पकना इंतजार करो जब तक के मेरे टमाटर पक ना जाए आंटिल का मतलब जब तक नहीं यू विल नेवर टेस्ट स्वीट टमाटोज इन योर लाइफ तुम अपनी जिंदगी में इनसे मीठे टमाटर कभी नहीं खाओगे दे विल सून बी राइप टू दे सून यहां पे ये जो देल है ये कॉन्ट्रेक्शन है इससे घबराइए नहीं कॉन्ट्रेक्शन में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं दे विल सून बी राइप टू ये जल्द ही पक जाएंगे या ये भी जल्द ही पक जाएंगे आई सेड मैंने कहा एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रॉज ऑफ टोमैटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच पैच जमीन का टुकड़ा कत जमीन लोअर साइड निचली जानब रोज लाइंस कतारे सो तर्जुमा कीजिए आई से डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच मैंने इस कत जमीन की निचली जानब दर्जन भर या इससे जायद टमाटरों की कतारों की जानब देखते हुए कहा

थ्री डजन रोज ऑफ पटेटोज शकरकंद के ऊपर की जानब कोई तीन दर्जन आलुओं की कतारें थीं। आप जानते हैं कि जब सब्जियां काश्त की जाती हैं तो किस तरह से उनकी क्यारियां और उनकी कतारें बनाई जाती हैं आई डोंट सी अ वीड का मतलब होता है यूजलेस प्लांट अनवांटेड प्लांट और यहां पे उर्दू में कहेंगे जड़ी बूटी या खुद रो घास खुद बखुद उगने वाली घास आई वीड इन दिस पैच मुझे इस ज़मीन में या इस ज़मीन के टुकड़े में कोई खुद रो घास फूस दिखाई नहीं देती आई लॉफ्ट मैंने कह कहा लगाया वॉन्ट दे ग्रोहेयर क्या वो यहां नहीं उगती क्या वो यहां पैदा नहीं होती ग्रो का मतलब प्रोड्यूस सो so बेटा जो है अपने बाप के काम पे फख्र महसूस कर रहा है क्योंकि बाप को भी अपने इस अजीम काम पे फख्र है सो so बेटा एप्रिसिएशन ही कर रहा है सो लेट सी आई वॉन्ट लेट एम अब इस जुमले में कॉन्ट्रेक्शन का जरा ख्याल कीजिए लेट एम एम क्या है और वॉन्ट क्या था विल नॉट का मतलब परमिट अलाउ मैं उन्हें उगने ही नहीं देता ही उन्होंने कहा this इज वट आई हैव वॉन्टिंग यू टू सी अब यही वो चीज है जो मैं चाहता था तुम्हें दिखाना या मेरी ख्वाहिश थी तुम्हें दिखाने की दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन आई ब्रैग्ड अब बाप का फकर जो है वो बेटे में मुंतकिल हो चुका है ब्रैक क्या था बोस्टेड फक्रिया अंदाज में कहना सो बेटे ने शेखी बिगाड़ते हुए अंदाज में कहा इससे साफ सुथरा कतए अराजी मैंने आज तक नहीं देखा बट आई स्टिल डोंट सी सी का यहां मतलब अंडरस्टैंड और स्टिल का मतलब अभी तक बट आई स्टिल डोंट सी

इंस्ट्रक्शन मैंने आपको इसके थमेटिक कॉन्टेंट और इवन टाइटल में यह बातें बताई कि डॉक्टर्स की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के बावजूद father जो हैं वो still Italy, वो क्या करते रहे चोरी चुपके ऊपर आते रहे और वो काश्तकारी के लिए इस कथा या राजी को तैयार करते रहे सो बेटा क्या कह रहा है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि आप डॉक्टर्स के अहकाम के बावजूद उनके खिलाफ यहां क्यों चढ़ते रहे दोबारा कर देते हैं एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स और आपने ये सब अपने डॉक्टर के अहकाम के खिलाफ किया विच वन अब्बा जी एक बार फिर कॉमिकली क्या करते हैं विच वन ही आस्क लॉफिंग उन्होंने कहा कैसे कहा हंसते हुए कहा या हंसते हुए पूछा कौन से वाले क्या हो, कौन से वाले डॉक्टर क्योंकि चालीस साल पहले भी डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था और अब जनवरी से अप्रैल आठ मुख्तलिफ डॉक्टरों ने भी रोका था सो so, वो मजाक उड़ाते हुए मॉकिंगली कहते हैं कि कौन से डॉक्टर की बात करते हो देन ही सैट डाउन ऑन अग ऑक स्टम्प ऑक्स्टम स्टम्प का मतलब होता है मूड सो so, दरक को काट के जो नीचे बकिया हिस्सा है जो नशिस्त बना ली जाए उसको स्टम्प कहा गया है ओक शाह ये बोहड़ का दरख्त होता है देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ऑक स्टम्प एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प ब्लैक गम दरक का नाम है स्यागूंद का दरख्त और स्टम्प मुड ही है हिम तो जो दीजिए। फिर वो शाह के बड़े से मुड पर बैठ गए और मैं एक सया गूंद के दरख के छोटे से मुड पर उनके करीब ही बैठ गया इंपॉर्टेंट ये लाइन है ट्रांसलेशन के लिए दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड पहाड़ी पर सिर्फ यही एक ऐसी जगह थी जहां जमीन पर सूरज की रोशनी पहुंच सकती थी अब यहां पे आप तो दीजिए वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड ये टू जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है सूरज की रोशनी की सनशाइन की डायरेक्शन को सो so, तर्जुमा क्या बना पहाड़ी पर सिर्फ यही एक ऐसी जगह थी जहां जमीन पर सूरज की रोशनी पहुंच सकती थी एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लेयरिंग There was a rim of shadow over the rows of dark stalwart plants loaded with green tomatoes. Rim का मतलब सर्कल, हल्का, shadow साया, stalwart इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिंनोनिम्स के हवाले से, so sturdy, stout, strong, लोडेड रिप्लीट लैडन ग्रीन tomatoes. तो तर्जुमा करेंगे और इस साफ जगह के निचली जानेब सब टमाटरों से लदे गहरे रंग के तवाना तंदुरुस्त पौधों की कितारों पर एक साय का घेरा था सो डियर स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू डिस्कस द सिनोनिम्स ऑफ द रेड टेक्स्ट सो प्लीज मूव अहेड, पे अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड विस्पर्ड Murmured mumbled hummed rose lines columns series stump butt stub tail end stalwart strong sturdy stout rugged flavor aroma taste tinge Cracter, weed, grass, straw, rim, border, circumference, edge, loaded, full, laden, stagged. So, we are moving ahead. Please turn your pages to other text. So, start clearing. What is the reason? फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच ऑफ हेयर बेटा अभी भी रीजन जानना चाह रहा है तो देखते हैं कि क्या रीजन है वट इज द रीजन फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच ऑफ हेयर आई आस्क आपके इस कते को यहां इस बुलंदी पर प्रकाश करने की क्या वजह है मैंने पूछा अब बाप का जवाब इंपॉर्टेंट है ये लाइंस इंपॉर्टेंट है

गुजारने का कह चुका है टोल मी नॉट टू वर्क और मुझे कहा कि मैं बिल्कुल काम ना करूं नॉट टू डू एनी थिंग कुछ भी ना करूं बट टू लीव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी बिल्कुल कुछ ना करने को कहा बल्कि जो चंद जिंदगी के बाकी दिन थे उन्हें हंस खेलकर या खुशी खुशी गुजारने को कहा इफ द डॉक्टर्स हैव बिन राइट ये राइट right का मतलब दुरुस्त सही इफ द डॉक्टर्स हैव बिन राइट ही सैड विंकिंग एट मी विंकिंग क्या है आंख मारना ये जस्टरिंग है मोशनिंग है अगर डॉक्टर दुरुस्त कहते रहे होते या डॉक्टर दुरुस्त होते उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा I have cheated death many times. तो मैंने मौत को कई मर्तबा धोखा दे दिया है या मैं मौत को कई मर्तबा धोखा दे चुका हूं डर स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ रहे हैं कि बुजुर्ग जो हैं जैस के वालिद जो हैं वो बारहा बीमार होते रहे डॉक्टर उन्हें आराम का मशवरा देता रहा लेकिन वो मेहनत और मुशक्कत की लगन दिल में रखते रहे और इस तरह वो अब फख्री अंदाज में कह रहे हैं कि मैंने मौत को भी कई मरतबा क्या दे दिया धोखा दे दिया नाउ आई हैव हैीच द द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ ये स्टूडेंट्स यहां पे द गुड बुक बाइबल सो so, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए ये बाइबल को कहा गया है नाओ आई हैव रीज द यर्स द गुड बुक अलाउज अलाउज का मतलब परमिट्स या लेट्स टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ अब मैं इस उम्र में पहुंच चुका हूं जितनी किताब मुकदस यानी अंजीले मुकदस इस दुनिया में रहने के लिए इंसान को इजाजत देती है और वो कितनी है आगे लिखा है three score, years and ten. मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में आपको सेवेंटी ईयर्स के बारे में बताया था तो स्कोर का मतलब होता है नंबर ट्वेंटी थ्री स्कोर ईयर्स अगर हम क्या करें थ्री इंटू ट्वेंटी कंसिडर करें तो इज इक्वल टू सिक्सटी और सिक्सटी में अगर टेन को ऐड करें तो फिर ये सेवेंटी ईयर्स बनते हैं सोवालिद so उसे बता रहे हैं कि साठ साल और दस यानी सत्तर साल ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम वो उस मुड से उठे एनवॉय द रेनड्रॉप्स ऑफ स्वेट और पसीने के बारिश नुमा कतरों को साफ किया फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस विथ हिज बिग ब्लू बंदाना अपने बड़े से नीले रंग के रूमाल के साथ तर्जुमा दोबारा सुन लीजिए वो मुड से उठे और अपने बड़े नीले रंग के रूमाल से अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से पसीने के बारिश नुमा कतरों को साफ किया एंड समथिंग एल्स जेस ही सैड मोशनिंग अपर एज ऑफ अब बाप कुछ और भी बताना चाहते हैं इसके अलावा भी कुछ है जैस। उन्होंने मुझे इस साफ के वाले किनारे की जानी अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा मोशनिंग सिग्नलिंग इशारा करते हुए यू वॉन्ट अंडरस्टैंड आंटिल यू रीच थ्री स्कोर एंड टेन तुम उस वक्त तक यह नहीं समझ सकते जब तक के तुम सत्तर साल की उम्र को ना पहुंच जाओ आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बोरोड बोरोड उधार लिया गया बोनस टाइम इन सालों के बाद आपका वक्त या तुम्हारा वक्त गैर मतवको तौर पर मिलने वाला जायद वक्त होता है मैंने इसीलिए बॉरड को बोनस टाइम कहा एंड वेन यू लिव ऑन लिव ऑन गुजारा करना या गुजारना दैट काइंड ऑफ टाइम देन समथिंग गोज बैक और जब आप इस तरह का वक्त गुजारते हो तो कोई चीज वापिस चली आती है समथिंग आई कैंट एक्सप्लेन समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता या कोई ऐसी चीज जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता यू गो बैक टू द प्लेसेज यू न्यू एंड लव्ड डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट सिचुएशन है सो प्लीज पे अटेंशन यू गो बैक टू द प्लेसेज यू न्यू एंड लव्ड आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जिन्हें आप जानते थे और जिनसे आप मोहब्बत करते थे जनरल आइडिया जो है उसके वाले दे रहे हैं कि हर इंसान के साथ इस उम्र के हिस्से में ऐसा ही होता है दैट्स वाई हम इसे ट्रांसलेट भी जनरली ही कर रहे हैं सी दिस स्टीप हिल स्लोप स्लोप ढलवान इस अमूदी पहाड़ी ढलवान को देखो ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लेरिंग टूवर्ड द डीप वैली बिलो उन्होंने साफ जगह के ऊपर वाले किनारे से निचली जानिब, गहरी वादी की जानिब इशारा करते हुए कहा रिम का मतलब किनारा एज कह लीजिए ब्रिंक कह लीजिए यो मदर एंड आई, मैं और तुम्हारी वालदा अब यहां पे कुछ और माजी के जो बातें हैं जो रिमिनिसेंट मूड में वालिद याद कर रहे हैं और डेफिनेटली नरेटर ऑफ द स्टोरी बी रिमिनिसेंस में है तो वो इन चीजों को माजी की बातों को बयान कर रहे हैं योर मदर एंड आई वेन शी वॉज नाइनटीन एंड आई वॉज ट्वेंटी टू क्लियर दिस माउंटेन स्लॉप टूगैदर तुम्हारी वालदा और मैंने जब वो उन्नीस साल की थी और मैं बाईस साल का इकट्ठे इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था We raised, रेज का यह मतलब grew, cultivated, farmed. We raised corn, corn गल्ला beans फलियां and pumpkins और घिया कद्दू हेयर तो दोबारा तर्जमा कर लेते हैं हमने यहां गल्ला फलियां और घिया कद्दू उगाए He continued, उन्होंने बात को जारी रखा हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट ही talked विद हिज हैंड्स टू उनकी आवाज और खरोश से बुलंद होती जा रही थी एक्साइटमेंट थ्रिल और खरोश उनकी आवाज और खरोश से बुलंद होती जा रही थी वो अपने हाथों से भी बातें करते थे या कर रहे थे So, dear students, now synonyms are being discussed. Pay attention to whiteboard wink, blink, flutter, twinkle, flash, raindrops, bubbles, droplets, beads, bandana, handkerchief, headscarf, borrowed. Unexpected, vague, uncertain, cheated, deceived, deluded, beguiled, wrinkled, creased, crinkled, crumpled, motioning, gesturing, signaling, waving, excitement. इंथ्यूजियाजील जेस्ट सो मूव टू द अदर पेज दोज वर द डेज बाप क्या याद कर रहा है अपने बीते माजी को सो so, क्या कहते हैं दोज व डेज क्या खूब दिन थे वो उन दिनों की तारीफ कर रहा है डेफिनेटली जवानी खूब जमाना होता है उसे लोग याद करते हैं सो so, वो भी अपनी जवानी के दिन याद कर रहे हैं दो द डेज क्या ही खूब दिन थे वो दिस वॉजन द लैंड वन है दिस वॉजन द लैंड वन है इस तरह की जमीन ना थी जिसे किसी को तैयार करना पड़े इट वॉज ऑलरेडी हेयर As God had made it, and we had to do was clear the trees and burn the bush. Bush, herbs, brush, jharingo hain, or clear, prepare, cultivate. So lika hai, it was already here. As God had made it, and we had to do was clear the trees and burn the बुश ये खुदा की बनाई हुई हालत में पहले ही यहां मौजूद थी किसकी बात हो रही है इस जमीन की इस कत की और हमें तो सिर्फ दरख्तों को साफ और झाड़ियों को जलाना पड़ा डेफिनेटली उस पहाड़ की चोटी पे जो कि एक जंगल है वहां बड़े बड़े दरख्त और झाड़ियां जिन्हें साफ करके तलफ करके उन्होंने इस जमीन के हिस्से को कल्टीवेशन के लिए तैयार किया आई प्लोड प्लोड का मतलब टिल्ड हल चलाया आई प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड मैंने मवेशियों की मदद से इस पहाड़ी पर हल चलाया था यह पहली मर्तबा थी कि इस पहाड़ी पर हल चलाया गया था इंपॉर्टेंट सिचुएशन है एन वी रेज मोर देन अरल बैरल किसको कहते हैं और पमाइश का यह दर्जा क्या है तीस से चालीस गैलन के बराबर तकरीबन एक सौ छियानवे पाउंड की मिकदार जो है वो एक कनस्तर या एक बैरल कहलाती है सो एंड वी रेज रेज का मतलब ग्र कल्टिवेटेड फार्मी रेज मोर देन अरल ऑफ कॉर्न द शॉक शॉक क्या है ये पुलों को कहते हैं लिखा है अ अ पाइल ऑफ ऑफ शीव्स ग्रेन और स्टॉक्स सेट अप इन विद द बट डाउन अक्सर आपने किसान को अनाज काटते हुए देखा है फसल काटते देखा है और जब वो पुले बनाकर सीधे उन्हें खड़े करते हैं तो वो शीव्स कहलाती हैं और उन्हें स्टॉक शॉक भी कहा जाता है So, तर्जुमा करेंगे और हमने एक बैरल यानी कनस्तर से ज्यादा अनाज उगाया यहां पे कौन की बात हो रही है तो वो तर्जुमा क्या करेंगे अनाज गल्ला गलाट्स वाई आई केम बैक अ फेयर यही वजह है कि मैं यहां वापस आया अब जो बेटा पूछना चाह रहा था कि यहां क्यों आए तो वो जवाब यहां मिल चुका है बेटे को बाप ने सारा बता दिया है कि किन किन बातों की बना पर वो यहां आए थे आई वेंट बैक टू आवर यूथ आवर यानी बाप कह रहा है, मेरी जवानी और तुम्हारी वालदा का जो जवानी का दौर है उसको मैं ये याद करने के लिए यहां आता रहा हूं आई वेंट बैक टू आवर यूथ मैं अपनी जवानी के दिनों मैं वापस लौट आया हूं या लौट आया था एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज और सिर्फ यही इस तरह की एक जमीन बाकी रह गई थी अब जेस के वालिद जो हैं वो मजीद बातें बता रहे हैं लेकिन जो कमिंग लाइन्स हैं वो पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड जेस ही ब्रैग ब्रैग क्या है बोस्टर्ड और जैस उन्होंने फक्रिया अंदाज में कहा रिगार्डलेस ऑफ रिगार्डलेस ऑफ इस्पेक्टिव ऑफ कत नजर इसके खयाल किए बगैर इस बात का किस बात का आगे पढ़ते हैं एंड जैस ही ब्रैप रिगार्डलेस ऑफ माई थ्री स्कोर ईयर्स एंड टेन आई प्लोड इट और जैस उन्होंने फक्रिया अंदाज में कहा अपने सत्तर साल की उम्र का ख्याल किए बगैर मैंने इस जमीन पर हल चलाया क्लोड इट विद म्यूल और मैंने इस पर खच्चर की मदद से हल चलाया आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑल द वर्क मैंने बहुत थोड़ी मदद के साथ ये सारा काम किया है इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हेयर ये इस तरह की जमीन है जिसे तुम्हारी वालिदा और मैं काश करते थे वेन आई ब्रॉट माई गन टू फील्ड टू द फील्ड और जब मैं अपनी बंदूक खेत पर या मैदान में लाता था एंड टू खोम अ मैस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स एवरी इवनिंग स्क्विरल्स फॉक्स स्क्विरल पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं लूमड़ुमा गुलहरी जो के अमेरिका के जंगलात में पाई जाती है और वहां के लोग इसे शिकार करके खाते हैं सो इसीलिए इसका जिक्र आया है मैस ऑफ का मतलब खाने के लिए बहुत ज्यादा मकदार में फॉक्स स्क्विरल्स लूमड़ नुमा गुलहरिया सो तर्जुमा करेंगे जब मैं अपनी बंदूक मैदान में ले जाता या खेत में ले जाता और हर शाम लूमड़ गुलहरियों की एक खुराक शिकार करके घर ले जाता I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed farmed cultivated मैंने नीचे की جانب वसी पहाड़ी ढलवान पर नजर दौड़ाई जहां मेरी वालिदा और वालिद काश्तकारी कर चुके थे and i could remember years later when they farmed this land और मैं बहुत से साल बाद भी वो वक्त याद कर सकता था जब उन्होंने इस जमीन को काश किया था अब देखें जैस जो है बजाते खुद भी रिमिनिसेंस में जा रहा है वो भी कहता है कि मुझे भी वो जमाना याद आ रहा है इट वॉज ऑन स्लोप दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटल वुडन प्लो इंपॉर्टेंट सिचुएशन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से यह वाक्य इसी अमूदी ढलवान का है जहां एक मर्तबा मेरे वालिद ने मुझे लकड़ी का एक हल बना कर दिया था वुडन प्लो लिटल वुडन प्लो प्लो क्या है नाउन की सूरत है और हल को कहा गया दैट वॉज वेन आई वॉज सिक्स ईयर्स ओल्ड और यह उस वक्त की बात है जब मैं छह साल का था एंड द्रॉट मी टू फील्ड टू थिन कॉन थिन का मतलब साफ करना छांटना कौन अनाज को गले को तो क्या कहता है ये उस वक्त की बात है जब मैं छे साल का था और वो मुझे खेत मर खेत में लेकर आए थे कि गल्ला छांटू या छांटे क्योंकि तीनों ने मिलके सब ने मिलके किया छांटे भी कहा जा सकता है आई लॉस्ट माई लिटल प्लो इन अफरो क्यारी को हल से बनी नाली को कहा जाता है एन आई क्राइड एंड क्राइड ही मेड मी एन खेत में बनी नाली में गुमा दिया या गुम कर दिया और मैं इस वक्त तक रोता रहा जब तक उन्होंने मुझे दूसरा हल ना बना दिया यह इंपॉर्टेंट सिचुएशन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बट ए नैव लव द्लो as i did the first one magar hal kabhi itna pyara nahi jitna ke lagta tha so students i do believe you have got the text and now it's time to discuss synonyms regardless heedless heedless indifferent indifferent unconcerned thin, reduce, trim, rarefy, farm, cultivate, till, work, furrow, groove, groove, channel, rut. so, dear students, this is our third lecture on second lesson, clearing in the sky, up till now. I do believe you have understood everything. In our last lecture, we will discuss the rest of the text. Thank you so much. Stay blessed. Stay safe.